दोस्तों, हम सबकी लाइफ में ऐसा टाइम आता है जब हम अंदर से टूट जाते हैं और ऐसा लगता है मानो सब कुछ खत्म सा हो गया है। जिंदगी ने हमें ही क्यों सारी परेशानियां और मुसीबतें दी हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे हम मुसीबतों के चक्रियों में धंसते जा रहे हैं, हर चीज में हम फेल होते जा रहे हैं, चाहे वो हमारा रिलेशनशिप हो या हमारा करियर। हमें हर तरफ से निराशा हाथ लग रही है और हम अपने दुखों में इतने उलझते जाते हैं कि हमें कोई रास्ता ही दिखाई नहीं देता। बस यही चिंताओं से हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते। हम अपनी जिंदगी से इतने परेशान हो जाते हैं कि हमें लगने लगता है कि हम मर जाते तो बेहतर होता। हमें ऐसा लगता है कि हमारी प्रॉब्लम्स को कोई सुनने वाला नहीं है, कोई मेरा साथ नहीं देता, कोई मेरे दुखों को सुनने वाला ही नहीं है। और बस इन्हीं बातों को सोचते सोचते और अंदर ही अंदर हम टूटते चले जाते हैं। पर बस आज के बाद आप ना ही किसी के लिए रोगे और ना ही आज से आप कुछ सोचोगे। हमेशा याद रखो कि तुम्हारे दुख चाहे जितने भी बड़े हों, लेकिन तुम्हारी हिम्मत के सामने बहुत छोटे हैं। उठो और आगे बढ़ो, हिम्मत के साथ हर चीज करने की सोचो, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें हर दुखों से पार करा देगी। और कभी भी अगर तुम्हारी लाइफ में कोई परेशानी आए या कोई दुख आए, तो अपनी हिम्मत को इतना बड़ा कर देना कि तुम्हारे सारे दुख उसके आगे छोटे पड़ जाएं। हमेशा याद रखो, आज जिस दौर से तुम गुजर रहे हो, चाहे लाइफ तुम्हें कितने भी दुख दे, तुम अंदर ही अंदर मजबूत बनते जा रहे हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, तो ये समझ लेना कि अब कोई बड़ा दरवाजा तुम्हारे सामने खुलने वाला है। दोस्तों, ये तुम्हारी लाइफ का सबसे छोटा चैप्टर बंद हुआ है। अगर ये कहानी खत्म हो गई तो क्या हुआ, इसे ज्यादा टूटने की जरूरत नहीं है। ये मान लो कि ये तुम्हारी लाइफ का एक सबसे छोटा चैप्टर था। बस अब जरूरत है इस पेज को पलटने की, और जैसे ही तुम इस पेज को पलटोगे, तुम्हारी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू हो जाएगा जिसमें बहुत सारी बातें होंगी। कभी हम अपने रिश्तों से हार जाते हैं, कभी हम करियर में हार जाते हैं, कभी अपनों से हार जाते हैं, और कभी तो कुछ लोग अपनी जिंदगी से ही हार जाते हैं। जब भी कोई रिश्ता टूटता है या दिल टूटता है, तो अक्सर लोग वो दर्द सह नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता जाता है, तो लोग सोचते हैं कि अच्छा हुआ वो रिश्ता मेरी जिंदगी से चला गया। कई बार कुछ चीजें हमारी जिंदगी में ऐसी होती हैं, हमें लगता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आगे चलकर वो चीजें हमारे बेहतर भविष्य को लेकर आती हैं। आपने कई बार सफल लोगों की कहानियां सुनी होंगी या पढ़ी होंगी। वो हमेशा यही कहते हैं, अगर जिंदगी में हमने दुखों को नहीं देखा होता या चुनौतियां का सामना नहीं किया होता, तो आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। आपको हमेशा लगता होगा कि ये मुसीबतें, परेशानियां, ये दुख दर्द मेरी ही जिंदगी में क्यों आई हैं। वो इसलिए आई हैं दोस्तों कि आप अपने बेहतर भविष्य की तरफ देखो। जिस जगह पे अभी तुम हो, उस जगह से अभी हट जाओ, क्योंकि जिस जगह पे तुम अभी हो, वो जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। जिस इंसान के साथ आज तुम हो, वो इंसान तुम्हारे लायक ही नहीं है। और अपने सामने देखो कि तुम्हारा बेहतर भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब इसे हम एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक व्यक्ति एक प्राइवेट कंपनी में एक प्योन का काम करता था। उसके पिता और दादा भी उसकी कंपनी में नौकरी करते थे। कुछ दिनों बाद उस कंपनी में कुछ युवा स्टाफ बढ़ने लगा। जब उस कंपनी में युवा जुड़े, तो कुछ नए क्लाइंट विदेशों से जुड़ने लगे। फिर उन युवाओं ने मिलकर सोचा कि इस कंपनी में हम उन्हीं लोगों को नौकरी देंगे जिनको अंग्रेजी भाषा आती है, बाकी हम सबको नौकरी से निकाल देंगे। जो ये प्योन था, जब उसे ये बात पता चली, तो उसने कहा, मुझे तो हिंदी भी पढ़नी नहीं आती, मैं तो वो भी बस बोल लेता हूँ। लेकिन उन सब लोगों ने मिलकर उसे नौकरी से निकाल दिया और उससे पूछा, तुम्हारे महीने की सैलरी कितनी है? उसने कहा, मुझे 1000 रुपए मिलते हैं। तो सबने मिलकर कहा, हम आपके लिए बस इतना ही कर सकते हैं कि हम आपको 3 महीने की सैलरी बोनस के तौर पर दे सकते हैं। उन लोगों ने पियोन को 3000 रुपए दिए और नौकरी से निकाल दिया। वो बहुत पूरी तरह से टूट चुका था। इस उम्र के पड़ाव में मैं कहां जाकर काम करूंगा, और इसी चिंता में वो डूबा हुआ था। उसके मन में पान खाने की इच्छा हुई। उस दिन वो अपने ऑफिस से लेकर घर तक पैदल गया। उसने देखा 3 किलोमीटर के रास्ते में कोई भी पान की दुकान नहीं है। उसने सोचा, क्यों ना मैं एक पान की दुकान खोल लूं? और उसे जो भी 3000 रुपए मिले थे, उसने उससे पान की दुकान खोल ली। उसकी पान की दुकान इतनी अच्छी चलने लगी कि उसने वहां पर खाने पीने का सामान भी रखना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे उसकी दुकान ने इतना अच्छा बिजनेस किया कि उसने शहर में 4 दुकानें खोल ली और बहुत अच्छा पैसा कमाने लगा। जो भी वो कमाता, उसे बैंक में जमा कर देता था। एक दिन बैंक मैनेजर ने उससे कहा कि आप अपना सारा पैसा सेविंग अकाउंट में ही डाल देते हैं, इसे आप FD भी बना सकते हैं। उसने बोला कि मैं तो इसके बारे में कुछ जानता ही नहीं, अगर आपको यह बेहतर लगता है तो आप इसे FD बना दें।
बैंक मैनेजर ने उसे कुछ पेपर साइन करने को कहा तो उसने कहा, मुझे साइन करना ही नहीं आता, मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ। बैंक मैनेजर सुनकर बड़ा हैरान रह गया। तो वो बोला, आप पढ़े लिखे नहीं है, आप तो इतना पैसा कमाते हैं, अगर आप पढ़े लिखे होते तो क्या कमाल करते। वो बोला, नहीं नहीं ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मैं किसी एक छोटी सी कंपनी में क्लर्क की नौकरी कर रहा होता। तो दोस्तों, जिंदगी में हार भी सफलता लेकर आती है, कई बार जिंदगी में दर्द भी नई खुशी लेकर आते हैं। कई बार जिंदगी में जब कोई रिश्ता टूट जाता है तो जिंदगी में खूबसूरत और बेहतर रिश्ता लेकर आता है। तो परिवर्तन संसार का नियम है और हमारी जिंदगी में होने वाला परिवर्तन को समझकर हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ।